मेडिकल एनालिस्ट सोनम शर्मा। फ्रेंड्स, आज आप सब लोगों के लिए एक टॉपिक आया है, किसी भी बीमारी बीमारी या बड़ी मुसीबत से जब हम लोग घिरे हों, जब एक ऐसा संकट आ रहा हो जिसका किसी के पास कोई हल ना हो, सिर्फ और सिर्फ भगवान के पास हो। वैसे तो हर मुसीबत हर समस्या का हल ही होता है भगवान के पास। तो फ्रेंड्स, आपको करना क्या है, एक ऐसा पावरफुल मंत्र बताने जा रही हूँ जिसके बारे में आप सबको मालूम है लेकिन करता कोई कोई हो, गायत्री मंत्र। गायत्री मंत्र को, जैसे कि अभी आप हम सब जानते हैं कोरोना ये सब बीमारी चल रही है, ऐसा नहीं है ये जाएगी नहीं, जाएगी ज़रूर जाएगी, क्योंकि जब भी कोई अंधेरी तूफान आता है एकदम से तबाही लेकर आता है और जाता है, तब भी तबाही मचाकर ही जाता है, आना जाना इन चीज़ों का लगा रहता है, लेकिन मैटर रखता है हमारा अटूट विश्वास, हमारी श्रद्धा। तो श्रद्धा हमारी होनी चाहिए हमारे अपने भगवान पर, जिसे हम मानते हैं, जिसे हम पूजते हैं। तो दोस्तों, आपको जो भी इस वीडियो को सुन रहे हैं, जो भी जिनको ये वीडियो अच्छी लगी हो, प्लीज़ आगे से आगे शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूलिए मेरे चैनल मेडिकल लाइफ विद सोनम शर्मा को। तो फ्रेंड्स, आपको करना क्या है, गायत्री मंत्र का जप करना है 3 बार, दिन में 3 बार और सुबह 3 बार, दोपहर 3 बार, शाम को 3 बार, या फिर रात को सोने से पहले आप 3 बार कीजिए। उसके बाद जब करने के बाद जब आप गायत्री मंत्र का जप करते हैं तो भगवान श्री कृष्ण जी को याद ज़रूर कीजिए, क्योंकि उन्होंने, भगवान श्री कृष्ण ने गीता में भी कहा है कि ये हमारी जो भारत है ये देवभूमि है, जब जब भारत में, जब जब देवभूमि में संकट आता है तब तब हमें उन्हें याद करके बुलाना है और सब संकट उन्हें बता देना है, बाकी जो करना उन्होंने करना है, ज़रूर वो इन चीज़ों से हमें बाहर निकालेंगे, बस यकीन होना चाहिए, विश्वास होना चाहिए हमें। कोरोना ही नहीं दोस्तों, मैं बोलूँगी अगर आपके घर में कोई भी मुसीबत हो, आप किसी भी प्रॉब्लम से जूझ रहे हैं, तो गायत्री मंत्र का आप जप ज़रूर कीजिए, दिन में 3 बार, एक समय में भी 3 बार जप कीजिए। अगर आप बोले कि मोबाइल फ़ोन में ऑन करके लगा सकते हैं, म्यूज़िक लगा सकते हैं, लगा सकते हैं, इट्स गुड, बट लेकिन अगर आप खुद चैंट करते हैं मन से, दिल से, दिमाग से, ज़ुबान से, तो वो और ज़्यादा वाइब्स पैदा होती हैं, वो आपके घर में, घर के साथ साथ आपके अंदर पॉजिटिविटी की वाइब्स ज़्यादा लेकर आती हैं, पैदा होती है। जब आपका ऑरा पॉजिटिव हो जाता है, जब आपकी वाइब्स जो होती हैं वाइब्रेट होने लगती हैं, तो कोई भी नेगेटिविटी, चाहे वो बीमारी हो या प्रॉब्लम हो, आपके इर्द गिर्द भी नहीं आती है। तो दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ आगे से आगे शेयर करना ना भूलिए। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, और मेडिकल लाइफ इज सोनम शर्मा।